वेलकम बैक टू गेट प्रिपरेशन टू पुडिंग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर दिए। इस लेक्चर में मुझे कुछ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में और चीज़ें बतानी है, या कुछ नोट्स है, कुछ चीज़ें और हैं उनके बारे में हम वो डिस्कस करेंगे, राइट? तो आपको पता तो होगा ही सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होते क्या है, बट इस लेक्चर में हम लोग उनको स्टार्टिंग से करेंगे, सिमेट्रिक के बारे में, स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में, फिर उनके ऊपर कुछ और चीज़ें भी देखेंगे हम लोग, राइट? So without any delay, let's get started. Let me share my screen with you guys and then we'll get started. Right, so we talked about symmetric matrix, ठीक है, symmetric and skew symmetric के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो हमको पता है symmetric matrix के बारे में, हम पहले बात करते हैं symmetric matrix, ठीक है। symmetric matrix क्या matrix होता है? The matrix जिसका अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है वो इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज है, ठीक है। इफ आई हैव अ मैट्रिक्स ए एंड उस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज अगर हम निकाल देते हैं वो दोनों इक्विवेलेंट है, तो हम बोल देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। इन दिस केस मेरे पास जो एलिमेंट्स या फिर जो एंट्रीज ए आई जे होती है वो ए जे आई के इक्वल होती है, ठीक है। एंड माई डायगनल एलिमेंट्स कैन बी एनी नंबर्स, ठीक है। डायगनल्स कैन बी एनीथिंग, कैन बी एनीथिंग, ठीक है। एग्जाम्पल 1, 2, 4, 2, 3, 6, यहाँ पे आ गया 6, सॉरी यहाँ पे आ गया 4, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। सो दिस इज अ मैट्रिक्स व्हिच इज व्हाट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम इसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, 2, 3, 6 एंड 4, 6, 5। सब देख रहे हो दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, तो ये क्या है, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। फिर हमने पढ़ा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। मैट्रिक्स कौन से होते हैं, वो वाले मैट्रिक्स ए जिसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं तो वो, और अगर उसमें नेगेटिव साइन में मल्टीप्लाई कर दूं और हर एक टर्म के साथ, तो मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाए। मींस अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए है दैट, अगर उसको ट्रांसपोज निकालती हूं दैट इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव ऑफ द माय ओरिजिनल मैट्रिक्स, दैट इज माय व्हाट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेरा ए आई जे शुड बी इक्विवेलेंट टू माइनस ऑफ ए जे आई, ठीक है। एंड इसमें मैं अपने डायगनल एलिमेंट्स में, डायगनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, शुड बी जीरो, ठीक है। एग्जाम्पल लेट्स सपोज 0, 1, 2, दिस हैज टू बी -1, दिस इज 0 एंड लेट्स सपोज दिस इज 3, दिस शुड बी -2, दिस शुड बी -3 एंड दिस इज 0, ठीक है। और अगर मैं इसका ए ट्रांसपोज लूं, लेट्स सपोज दिस इज माय ए मैट्रिक्स, अगर मैं इसका ए ट्रांसपोज लूं दैट बिकम्स 0, 1, 2, -1, 0, 3, -2, -3, 0, ठीक है। तो वी कैन सी दैट माय ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो दिस विल बिकम 1, तो 1 के इक्वल आ जाएगा 2, -2 × -1 इट विल बी 2, तो 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी -1, तो -1 आ जाएगा, फिर -2, -2 आ जाएगा, फिर -3, -3, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 हो जाएगा ये, ठीक है। सो मेरा क्या हो गया, ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है, गॉट इट। आई होप दिस इज क्लियर यू गाइस। दिस इज अबाउट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैं पे इसमें नोट क्या आता है, इतना तो मैं आपको करवा चुकी थी पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, इसमें मेरे पास एक नोट आते हैं कुछ। माय फर्स्ट नोट इन दिस केस इज कि Every square matrix A is expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix, ठीक है। आई ए दैट मीन्स मैं ए जो है
is equivalent to symmetric matrix plus skew symmetric matrix. ठीक है, और अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स है तो मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकती हूँ, ए प्लस ए ट्रांसपोज. ठीक है, एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे लिख सकती हूँ, ए माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज. ठीक है, तो मेरा ए क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज. ठीक है, जहां पे मेरे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज इज व्हाट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, और a माइनस ए ट्रांसपोज इज माय स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, सो अगर मुझे बताना हो कि मेरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स a है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स a, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, जहां पे मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज गिवन एज ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज गिवन एज ए माइनस ए ट्रांसपोज. तो मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए मुझे निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगी, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज. कोई चीजें दबा दी फटाफट. ठीक है, आया समझ में? ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, ये ऐसे इसकी क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट. नेक्स्ट चीज मेरे पास सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट मेरे पास ये है कि अगर मेरे पास, इफ आई हैव अ मैट्रिक्स, इफ ए मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ठीक है, देन मैट्रिक्स ए टू द पावर एन इज, द मैट्रिक्स ए टू द पावर एन इज, फर्स्ट अगर एन हो सकता है मेरा इवन हो, अगर एन इवन है तो ए टू द पावर एन इज व्हाट, सिमेट्रिक. ठीक है, और अगर मेरे पास n ऑड है तो a टू द पावर n इज माय स्क्यू सिमेट्रिक. क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक. ठीक है, अगर मेरे को दोबारा बताती हूँ पॉइंट, दोबारा पॉइंट क्या है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स, मेरे पास गिवन है a. ठीक है, मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है a. ठीक है, दिस मैट्रिक्स a इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्या है ये, गिवन है मुझे कि ये है मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, इट इज गिवन दैट दिस मैट्रिक्स ए इज माय स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, तो मैं अगर ए की पावर एन को देखना चाहती हूँ कि वो क्या हो, तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि मेरे पास एन जो है वो क्या हो, इवन. ठीक है, अगर एन इवन है तो ए टू द पावर एन इज व्हाट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, और अगर मेरे पास एन ऑड है तो ए टू द पावर एन इज व्हाट, skew symmetric matrix. क्या होगा मेरे पास, n अगर odd तो a to the power n is what, skew symmetric matrix. ठीक है, I hope this is clear to you guys. पहला point क्या पढ़ा हम लोगों ने, first point we studied कि भाई first point हम लोगों ने पढ़ा अभी इस lecture में, first point was कि अगर मेरे पास a matrix, square matrix a है, ठीक है, इट इज अ सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ये क्या होता है, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जहां पे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज गिवन एज ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज गिवन एज a माइनस ए ट्रांसपोज. ठीक है,
और हम ए मैट्रिक्स कैसे लिख सकते हैं, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है. दिस इज व्हाट इट वाज ऑल अबाउट. ठीक है, दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, कि अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स है और अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मेरा ए मैट्रिक्स, ठीक है, अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए टू द पावर अगर मेरे पास एन होता है तो फिर वो पॉसिबिलिटीज आती है कि मेरे पास एन क्या हो और एन क्या हो इवन. ठीक है, अगर मेरे पास एन ऑड है तो वो क्या होगा, तो क्या होगा, तो मेरे पास ए टू द पावर एन मैट्रिक्स इज व्हाट सिमेट्रिक, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक, ए टू द पावर एन इज व्हाट स्क्यू सिमेट्रिक एंड ए टू द पावर एन इज, अगर वो इवन है एन तो ए टू द पावर एन इज व्हाट सिमेट्रिक. राइट, आई होप दिस इज क्लियर यू गाइस. ठीक है, सो इसके ऊपर एक क्वेश्चन था. The question was every square matrix can be represented as what? ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था. Sum of lower and upper triangular matrices, sum of symmetric and skew symmetric matrix, product of symmetric and skew symmetric matrix, and product of Hermitian and skew Hermitian matrix. ठीक है, ये था. मैंने अभी आपको जस्ट बताया था मैंने square matrix कोई भी होता है हमारे पास, square matrix अगर A है मेरे पास, ठीक है, square matrix A है अगर मेरे पास, so that is what sum of symmetric matrix plus skew symmetric matrix. है ना, represented in terms of A कैसे होगा, half A plus A transpose plus half A minus A transpose. ठीक है, so what is the correct option, every square matrix can be represented as sum of symmetric and skew symmetric matrix, that is option B. Right, I hope this is clear to you guys. Okay, sum of lower and upper triangular matrix, every square matrix ho sakta hai, ho hai na, ho sakta na bhi, okay, ho sakta hai, possibility ye to hai hi hamara, product of symmetric and skew symmetric depending upon the dimensions, okay, product of Hermitian and skew Hermitian matrix nahi, not possible, okay, depends upon dimensions. ठीक है, so may the most satisfactory or appropriate answer is symmetric and skew symmetric matrix. ठीक है, so that's it for today's for this lecture. I hope आपको समझ में आया होगा कुछ points symmetric and skew symmetric के बारे में, important points या questions पूछ लिया जाता है यहाँ से. ठीक है, and इसका एक part मैंने ये पूछ लिया, ये EAC point of view से important है, EAC में ऐसे questions ही पूछे जाते हैं. ठीक है, जो एक दो चीजें जो लोग usually ignore कर देते हैं वही चीजें पूछी जाती है, right? So EAC point of view से it's very important. EAC में ये वाला जो आपके चार streams होती है, एक होती है civil engineering, एक होती है mechanical engineering, एक होती है electronics engineering और एक होती है electrical engineering. चारों की चारों streams के लिए relevant है course, because math is something which is asked, which is common to all four of these streams. So this is relevant to all the streams of EAC. ठीक है, so yeah, that's it for this lecture. Thank you so much. We'll see you next time. Bye bye.